So hey, what's up guys, welcome back to my channel Hyper Acha Gaming, and today we are playing again Mech Arena. And guys, आज हम लोग finally अपने Eclipse का max upgrade करने वाले हैं. Yes guys, आज हम हमारे legendary Mech Eclipse को max upgrade करके इसके गुलाबी सितारे चमका देंगे. और guys, अगर बात करें resources की तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो 8000 A coins and 1.5 billion credits. इन्हीं से हम आज इसे मैक्स करने वाले हैं. सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए विदाउट स्किप के एंड तक देखते रहना. एंड लेट्स बिगिन गाइस. ऑलराइट, अपने लेजेंडरी मैक एक्लिप्स को मैक्स अपग्रेड करने के लिए हम चलते हैं गियर अप में. और यहाँ पे देखो आ चुके हैं. अब जरा सा यहाँ पे स्लाइड करते हैं और हियर इट इज गाइस. ये रहा अपना एक्लिप्स. कुछ टाइम पहले ही हमने इसे अनलॉक किया है और आज हम इसे मैक्स करने वाले हैं. तो स्टैट्स पे नजर डालते हैं. ठीक है गाइज, अभी इसका सिर्फ लेवल अप देने वाला हूँ मैं. ये फिफ्थ लेवल अप है जिसमें इसका एचपी बढ़ रहा है, लाइक देख सकते हो आप लोग. तो मैं सिंपल सा ये लेवल अप दे देता हूँ जो कि 4,75,000 क्रेडिट्स का है. और दो ब्लूप्रिंट्स मेरे पास नहीं है, इसीलिए 480 कॉइंस भी लगेंगे. तो दे देते हैं यहाँ पे. और ये देखो गाइज, फिफ्थ लेवल अपग्रेड हो चुका है. और ये है अपना सिक्स्थ एंड फाइनल लेवल अपग्रेड जिसके बाद ये मैक्स हो जाएगा. यहाँ पे स्टैट्स पे नजर डालते हैं. सबसे पहले इसका एनर्जी कैपेसिटी 24 हो जाएगा और एचपी देखो 1,70,000 एचपी. और स्क्वाड पावर, लाइक इसका पावर जो है वो 1,093. तो ये इसके मेन स्टैट्स इंप्रूवमेंट है. और रही बात इसके स्टार्स की, वो तो पिंक में अपग्रेड होने ही वाले है. तो गाइज, अब अपने एक्लिप्स को मैक्स अपग्रेड करते हैं. यहाँ पे देखो 27 ब्लूप्रिंट्स एंड 5,50,000 क्रेडिट्स. क्रेडिट्स तो है लेकिन इसके ब्लूप्रिंट्स नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो इन ए कॉइंस को कलेक्ट किया है. 6,480 ए कॉइंस है. मैं इसके 27 ब्लूप्रिंट्स बाय करने वाला हूँ और डायरेक्ट अपग्रेड हो जाएगा ये. सो रेडी हो जाओ गाइज, अभी हम अपने एक्लिप्स को मैक्स अपग्रेड देने वाले हैं. सो इन द काउंट ऑफ 3, 2 एंड 1. फाइनली गाइज, यहाँ पे अपना एक्लिप्स मैक्स अपग्रेड हो चुका है. जरा देखो यहाँ पे पिंक स्टार्स और मैक्सिमम लेवल रिच्ड का नोट भी आ चुका है. तो आखिरकार भाई अपना एक्लिप्स मैक्स हो गया. अब चलते हैं इसे यूज़ करते हैं. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए. तो यहाँ पे एक्लिप्स पे टैप करते हैं. और अब मुझे गाइज यहाँ पे एम्बर गन 8 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब डुअल एम्बर गन 12 इस पर यूज़ कर सकता हूँ. फाइनली यार देखो, दो एम्बर गन 12. ये हुई ना बात. गाइस चलते बैटल में, यूज करते हैं और देखते हैं अपना मैक्स एक्लिप्स कितना पावरफुल है. तो चलो बैटल में. ऑलराइट, हमारा मैच यहाँ पे शुरू हो चुका है गाइस. और मैप देखो, स्कारलेट एटीरियम नया मैप अपने मैक्स एक्लिप्स के साथ. और ये देखो एक्लिप्स विथ ड्यूअल एम्बर गन 16. फर्स्ट टाइम ये लुक देख रहा हूँ मैं. और जरा यूज करे तो ये देखो, अलग सी फीलिंग है भाई. इससे पहली बार मैं ड्यूअल एम्बर गन 12 यूज कर रहा हूँ. और एचपी देखो गाइज, 2,50,000 एचपी हो रखी है. और अभी तो मेरा ये लेजेंडरी पायलट मैक्स भी नहीं है, तो और एचपी बढ़ सकता है इसका. और अब चलते हैं और किल्स निकालते हैं. ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन है यहाँ पे. सामने कोई कैप्चर कर रहा है. हाँ, यहाँ पे एक मैक है. फेस लॉक मैंने एक्टिवेट कर दिया. अब जरा देखिए तो सर्ज है. इसे तो आराम से पीट देंगे हम. डैमेज देखो गाइज, 2 एम्बर गन 12 और खत्म. हमने यहाँ पे अपने मैक्स एक्लिप्स से फर्स्ट किल निकाल लिया है. सेंटर पे कोई कैप्चर कर रहा है. 2 ओरायन. अरे भाई भाई, कवर पे रहते हैं. और मेरा फेस क्लॉक भी खत्म. कवर पे रहो. एक हिट और ये दूसरा हिट मिल गया. एक किल मिल गया और दूसरा किल भी हम निकाल लेते हैं. बट कोई बात नहीं गाइज, यहाँ से देखो एक और ऑरायन है, इसे मारते हैं. और डैमेज देखो गाइज, किस तरह से एचपी जा रही है इनकी. और यहाँ पे एक और किल, किलिंग स्प्री हो चुका है. सामने मुझे एक और मैक नजर आ रहा है और इसके ऊपर तो हंटर्स मार्क है. एक हिट बस और इसका काम तमाम. ह्यूमिलेशन अगेन. अब कैप्चर कर लेता हूँ ये सेंटर पॉइंट भी. ये वाला किल चोरी हो गया गाइस, असिस्ट मिल गया मुझे. बट फ्रंट पे मुझे 2 मैक्स दिख रहे हैं. पहले इस पैंथर को, ये किल तो हम लेकर रहेंगे. और ये किल मिल गया डोमिनेटिंग. यहाँ पे एक और लो एचपी और 2 किल्स. देखा, एक किल भले चोरी हो गया बट हमने यहाँ पे 2 किल्स निकाल लिए एक साथ. और इधर से एक और एक्लिप्स आ गया, वो भी स्टॉर्म रेक्स वाला. बट अब इसके वेपन्स रिलोड पे है तो हम आराम से इसकी पिटाई कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ. और खत्म. यहाँ पे हमको गाइस अनस्टॉपेबल वेट. अरे यार, ऐसे स्पॉन मत हुआ करो मुंह पे, इसका तो गेम बजाना पड़े. थोड़ा निकलते हैं. एक हिट और रुक जा, ये दूसरा हिट किल मिल गया. और कोई है भाई यहाँ पे? नहीं, ब्रिक हाउस. थोड़ा चलते आगे. इसके भी स्ट्रॉन्ग लाइक सब रिलोड पे है. मैं तो आराम से इसकी पिटाई करने वाला हूँ. देखो कुछ कर ही नहीं पाएगा. ये किल मिल गया. रैंपेज हो चुका है गाइस. अब बस एक और किल कॉर्ड लाइक के लिए जो कि मुझे मेरे सामने दिख रहा है. अरे ये तो जहरीले पदार्थ फेंक रहा है ये ब्रिक हाउस.
मारते हैं कवर पर रह रहे के, और अब थोड़ा क्लोज चलते हैं और देखो क्या ही डैमेज पड़ा है, थोड़ी सी एचपी एंड यस हमने गाइस यहाँ पे गॉड लाइक अचीव कर लिया है अपने मैक्स एक्लिप्स से, पहला गॉड लाइक। वहाँ सामने मुझे और भी कम एचपी वाले मैक्स दिख रहे हैं तो उनकी तरफ रश करते हैं। ये देखो सेंटर पे कोई कैप्चर कर रहा है, जरा देखे तो ये तो रेड ऑफ से यार, वो भी रिवॉक कर ले रखा है। नहीं इससे डायरेक्ट पंगे नहीं, थोड़ा सा निकलते हैं और ये लो किल मिल गया। डायरेक्ट पंगे तो कभी नहीं लेने का, रिवॉकर वालों से पीट देते हैं। ये लो सेंटर हमने कैप्चर कर लिया, यहाँ पे राइट पे एक मैक है, जरा देखे तो अरे रॉयल गन्स वाला बंदा है, एक हिट में ये हमें मार सकता है, तो लापरवाही नहीं। अब थोड़ा क्लोज चलते हैं, अब यहाँ पे गाइस थोड़ा कवर पे रह के मारेंगे इसे, फेस क्लॉक एक्टिवेटेड और ये लोग गया, एक हिट का था ये भाई बताओ। लेकिन रॉयल गन्स थे उसके पास, हमें मार सकता था वो अगर खुले में लड़ते तो। इधर एक ब्रिक हाउस है, चलो इस पे रश मारते हैं, ये किल मिलेगा मुझे नहीं। यहाँ पे एक और मैक है, ये भी रॉयल गन्स वाला है, थोड़ा बच के, एक भी हिट लगा तो मैं गया। अब थोड़ा क्लोज, थोड़ी सी एचपी, ये एक हिट और ये दूसरा हिट, स्मैकडाउन मिल गया। यहाँ पीछे एक और मैक है, इसकी एचपी कम है, ये किल लेके रहेगा और ये किल भी मिल गया। नेमेसिस हमने अचीव कर लिया यहाँ पे गाइस, पूरे मैच में अपना एक्लिप्स डोमिनेट कर रहा है, हमने सब मैक्स को मार दिया। एक आखिरी मैक मुझे सामने दिख रहा है, कैप्चर करने जा रहा है, रुको चाचा हम आ रहे हैं। कहाँ जाओगे, कौन सा मैक है ये भी मैं जरा देखना चाहूँगा, और अपना फेस क्लॉक एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखते हैं ये फर्स्ट हिट और ये सेकंड स्टॉर्म रैक से क्या ही तो डॉज किया है और खत्म, इस मैक को हमने मार दिया है, अनदर ह्यूमिलेशन और हम लोग ये बैटल हो चुके गाइस विक्ट्री। हमारा एक्लिप्स हो चुका है यहाँ पे एमवीपी विथ ओवर 15 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड मल्टीपल नेमेसिस। अब गाइज हम हमारे मैक्स एक्लिप्स में एक और पॉपुलर कॉम्बो यूज करने जा रहे हैं और वो है अपना ड्यूअल ईएम राइफल 12। तो यूज करते इसे, देखते ये कितना पावरफुल है इसके ऊपर। Here we go guys, यहाँ पे हमारा सेकंड बैटल भी शुरू हो चुका है और मैप देखो, इलॉन स्टेशन ग्रे मैप आ चुका है और ये रहा अपना एक्लिप्स विथ ड्यूअल ईएम राइफल 12। अब ये कॉम्बो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए इस पे, क्योंकि हम आराम से फेस क्लॉक यूज करके एनिमी को मार सकते हैं। और एक बार एचपी देखो, 270,000 एचपी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आर्क एंजल एक्यू किया है जो कि मैक्स पायलट है। तो ये होता है जब हम इस पे एक मैक्स्ड लेजेंडरी पायलट एक्यू करते हैं। वेल यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ और अब गाइस किल्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स रश मार रहे हैं, सबसे पहले उसे पकड़ते हैं और डैमेज दिया है मैंने, बट थोड़े से मैं बच गया, रुक जाओ रिलोड होने दो। और अब एक और हिट देते हैं इसे और ये किल कन्फर्म, यहाँ पे एक और मैक एंड दो दो किल्स कन्फर्म एक साथ, ये हुई ना बात। और यहाँ से एक और मैक आ रहा है, चलो इसे मारते हैं। और गाइस किलिंग स्प्री देखो, खड़े खड़े हमने यहाँ पे 3 किल्स निकाल लिए। यहाँ पे एक और मैक है गाइस और ये किल भी मिल गया, ह्यूमिलेशन। और वहाँ पे देखो सामने एक मैक है, ये लो भाई क्या ही तो स्नाइपिंग, डोमिनेटिंग कंप्लीट हो चुका है हमारा। और यहाँ पे अभी एक और मैक आ रहा है, आ जाओ भाई, ये एक हिट और थोड़ा सा बस निकल जाए, ये लो दूसरा हिट एंड एक फाइनल हिट बस लग जाए और ये किल भी मिल गया। 6 किल हो चुके हैं हमारे खड़े खड़े भाई, देख रहे हो ये कॉम्बो इफेक्टिव तो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से एक किल शॉट आया है, ये लो दूसरा हिट, थोड़ी सी एचपी बची है बस इसकी, मुझे बस एक और हिट देना है। और मिस हो गया यार, वेट ओके ये सही से लगना चाहिए, एंड किल मिल गया, अनस्टॉपेबल कंप्लीट गाइस। बट यहाँ से एक पैंथर आ चुका है, मुझे फिर से कवर पे जाना पड़ेगा, चलते कवर पे। अरे ये भी मिस हो गया, मैं बहुत टाइम बाद ये राइफल यूज कर रहा हूँ। अच्छा पैंथर तेरी तो बैंड बजा के रहूँगा, और कितना कम डैमेज गया इसके ऊपर, क्लोज रेंज में आखिर। ओके इस बार अच्छे से मारते हैं, एक हिट नहीं लगा, दूसरा वाला और लग गया भाई, 8 किल हो चुके हैं गाइस, 2 और किल्स। यहाँ पे देखो एक मैक है कम एचपी वाला और ये किल भी मिल गया, रैम्पेज हो गया। एक और किल ढूंढते हैं किसी भी तरह, सामने एक सेंटिनल है, ये एक हिट मैंने दिया और दूसरा मारते हैं इसे, सेंटिनल ही है ना ये देखो दूसरा हिट, थोड़ी सी एचपी बची है और किल कन्फर्म। यहाँ पे हमने गाइस एक्लिप्स से गॉड लाइक अचीव कर लिया है इस वाले मैच में भी। यहाँ पे एक ब्रिक हाउस दद्दू और एम करके हमने इसे भी खत्म कर दिया, स्मैकडाउन मिल चुका है। और सामने वाली टीम में अभी भी 4 मैक्स स्पॉन हुए हैं, तो इनको देखते हैं कहाँ पे, एक तो यहाँ से आ रहा है और एक इधर है, तो पहले इस वाले को पकड़ते हैं और ये लो किल मिल गया, बहुत सही। एंड किसी ने मेरे ऊपर जहरीला पदार्थ मारा। अच्छा तो ये लेजेंडरी स्पाइडर है, एक हिट दिया है मैंने लेकिन थोड़ी सी एचपी में बच गया, मैं कवर पे रहता हूँ वरना ये मुझे मार डालेगा। एक हिट बस और किल कन्फर्म, स्मैकडाउन अगेन। यार नेमेसिस दो, कितना स्मैकडाउन दोगे, कोई आसपास मैक है जिससे मैं किल्स ले सकूं? मुझे तो एक ही मैक नजर आ रहा है गाइस। और देखते हैं ये आखिरी मैक आखिर कहाँ है, वो देखो सामने है। अरे यार ये तो कैप्चर कर रहा है, मुझे वेट करना पड़ेगा इसके बाहर आने तक। A few moments later.
कहाँ गायब हो गया भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा मुझे तब से। ओ ये रहा, यहाँ से आ रहा है, बताओ। ये लोग गाइस जिसे भी हमने यहाँ पे मार दिया है, और स्मैकडाउन मिल चुका है हमें, ये बैटल भी हम लोग हो चुके हैं विक्ट्री। एंड अपना मैक्स एक्लिप्स हो चुका है यहाँ पे MVP विथ ओवर 14 किल्स प्लस गॉड लाइक। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आज मैंने अपने लेजेंडरी मैक एक्लिप्स को फाइनली मैक्स कर दिया है, और इसके साथ हमने गेम प्लेस किए, काफ़ी पावरफुल हो चुका है ये, और मेरे हैंगर में भी अब ये एक और इम्पॉर्टेंट मैक बन चुका है। बाकी गेम प्ले तो आप सभी ने देखा ही, एंड आई होप गाइज आप सभी को हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। एक्लिप्स को मैक्स किया है इसलिए 1000 लाइक्स का एम रख रहा हूँ, तो ज़रूर से लाइक करना। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर देना, कॉमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, एंड चाहे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।